Hello everyone, welcome back to my channel. I am Lavanya and you are watching the Lavanya 2. सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं. ऑल द वेरी बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ़ यू फॉर रक्षाबंधन. और आज की जो मेरी रीसेंट वीडियो है वो रिक्वेस्ट करी थी शिल्पी यादव ने टेलीग्राम पे मुझसे. थैंक यू शिल्पी. और टॉपिक होगा वीडियो का कि माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस, माय कैबिन क्रू इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद द इंडिगो कंपनी. ओके, सो जैसे कि मैं भी तो जितने भी कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स हैं वो सभी लड़कियां जिनकी एस्पिरेशन है, जिनका ड्रीम है, गोल है कैबिन क्रू बनना, और उनको ये जानना है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू या फिर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होता है कैसा, कैसा होता है, कैसा फील होता है, कैसी कैसी चीज़ें होती हैं. तो जैसे कि मैं इस चैनल पर ऑलरेडी इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस अपने शेयर कर चुकी हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू इंटरव्यू कैबिन क्रू के मैं शेयर करती रहती हूँ. तो आज उसी सीरीज़ में, कैबिन क्रू सीरीज़ में मेरी एक और वीडियो है, माय रीसेंट कैबिन क्रू इंटरव्यू विद इंडिगो. ये इंटरव्यू मैं तब देने गई थी जब इंडिगो की वेबसाइट पे लेआउट चेंज हो रहा था, वेबसाइट अपडेट हो रही थी और वेबसाइट पे कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी. तो मैंने जब वेबसाइट ठीक चल रही थी, लगभग 15-20 दिन पहले ही अपने आप को रजिस्टर कर दिया था इंडिगो की वेबसाइट पे. लेकिन फिर अचानक से जब इंटरव्यू था उसके एक हफ्ते पहले से अचानक से सब चीज़ें साइट से डिलीट हो गई और समझ नहीं आ रहा था कि मतलब इंटरव्यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि साइट पे तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी. और कुछ लोग ये कह रहे थे कि हम इंटरव्यू अटेंड करने गए लेकिन इंटरव्यू हो नहीं रहा था. तो ये भी चीज़ थी मन में कि इंटरव्यू देने चली जाऊँ और ऐसा हो कि इंटरव्यू हो ही ना रहा हो वेन्यू पे तो क्या होगा, है ना. तो इसलिए फिर मैंने एक इंस्टाग्राम पे ग्रुप बनाया था लावण्या ट्यूब, और उसमें लगभग 83-93 मेंबर्स आप सबने ज्वाइन भी किया था. तो फिर उसके बाद ग्रुप में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आती गई, काफ़ी सारी गर्ल्स जो कि उस टाइम पे इंटरव्यू अटेंड करने गई उन लोगों ने भी डाला कि हाँ इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें. तो ऑब्वियसली वो ग्रुप मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल रहा. वैसे तो वो ग्रुप मैंने आप लोग के लिए बनाया था कि आप लोग को भी क्वेरी मुझसे पूछ सके, बट वो ग्रुप मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल रहा. और रिसेंटली उस इंस्टाग्राम ग्रुप को डिलीट करके मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, और उस टेलीग्राम ग्रुप को कोई भी ज्वाइन कर सकता है. अगर आपको कोई भी क्वेरी पूछनी है या कुछ भी, तो एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है जिसका लिंक मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर रखा है, उसका चैनल का लिंक और QR कोड. अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप भी मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि लावण्या ट्यूब के नाम से है उसको ज्वाइन कर सकते हैं. तो उस ग्रुप से मुझे पता चला कि हाँ इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है. तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि ओके मुझे इंटरव्यू देने जाना है. उसके बाद वेन्यू, जो मेरा वेन्यू था लखनऊ ही था एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. फिर उसके बाद मैं सुबह लगभग 8 बजे घर से निकली, तैयार व्यार होके कैब से गई, और वहाँ पे तो अच्छी खासी भीड़ थी. देवर ऑलमोस्ट 400-500 गर्ल्स, तो इतनी सारी लड़कियाँ थी लेकिन इंडिगो का कोई भी स्टाफ मेम्बर नहीं था. तो मैंने सोचा कि यार पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिगो का इंटरव्यू है और कोई भी स्टाफ मेंबर नहीं है. बिकॉज मोस्टली एक होते हैं जो रेज्यूमे लेते हैं या फिर आपको बताते हैं कि अब नेक्स्ट 10 को जाना है, या फिर एक मेंबर ऑलवेज होता है ना वहाँ पे इंडिगो का स्टाफ मेंबर जो कि सब चीज़ों को मैनेज करता है. लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं था. हम लोग लगभग 1 घंटा वहाँ पे रुके, कोई भी ऐसा नहीं आया जो कि मतलब कुछ भी हम लोग को गाइड करे या कोई भी हम लोग को कुछ भी बताए. तो हम लोग को भी था, थोड़ा सा डर लग रहा था कि सच में इंटरव्यू हो रहा है ना या कुछ, ऐसा तो नहीं कि कोई फेक कंपनी है या ऐसा कुछ भी. तो फाइनली कोई भी इंडिगो का स्टाफ नहीं आया हम लोगों के लिए, और करीब 1 घंटा वेट करने के बाद लगभग 9 बजे से इंटरव्यू शुरू हुए. और इंटरव्यू में स्टार्टिंग अब पता तो चल ही नहीं रहा था क्योंकि ना कोई HR था, ना कोई हम लोग को इंडिगो का स्टाफ था, कोई था ही नहीं बताने के लिए क्या हो रहा है. तो वी वर जस्ट वेटिंग कि हाँ कोई आए, कोई कुछ बताए. तो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ 9 बजे और फर्स्ट 10 गर्ल्स गई अंदर.
तो भाई जब लड़कियां वापस आई फर्स्ट टेन गर्ल्स, तो उन्होंने बताया कि इंटरव्यूज जो हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं, देर इज़ नो एचआर, कोई एचआर नहीं है, इंडिगो की कोई टीम नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो भी है सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। एंड एवरीवन वाज सो डिसअपॉइंटेड। मैंने तो इसके पहले कभी ऑनलाइन इंटरव्यू दिया नहीं, तो मुझे समझ नहीं आया कि आखिर क्या क्यों। सब लोग कह रहे थे कि ऑनलाइन इंटरव्यूज़ आर नॉट गुड बिकॉज उसमें सेलेक्शन का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उसमें एचआर आपके सामने नहीं होता और आपने बॉडी पोस्चर से बहुत सारी चीज़ों से इम्प्रेस करने का जो एक वे होता है, तरीका होता है कि आपने उसको इम्प्रेस कर लिया अपनी स्माइल से, अपनी बॉडी पोस्चर से, वो मौका आपको नहीं मिलता। तो हाँ, ऑब्वियसली काफ़ी सारी लड़कियाँ डिसअपॉइंट हो रही थी जैसे जैसे वो रूम से इंटरव्यू फर्स्ट राउंड देके आ रही थी, तो डिसअपॉइंटेड आ रही थी। तो मे बी ऑनलाइन नहीं होता होगा सबके लिए। तो हमारा फर्स्ट, तो आई वाज, आई थिंक मैं, मेरा थर्ड या फोर्थ बैच था जिसमें हम लोग अंदर गए और हम 10 लड़कियां अंदर गए। 10 गर्ल्स में से हमारे राउंड में 4 लड़कियां सेलेक्ट हुई और एक लैपटॉप था उसके सामने एचआर थी, वो हम लोग से क्वेश्चंस पूछ रही थी और उन्होंने हमें टॉपिक दिया था कि आई थिंक हाँ योर हॉबीज़, बोला कि टेल योर नेम एंड फ्रॉम वेयर यू आर एंड देन स्टार्ट द टॉपिक दैट व्हाट आर योर हॉबीज़। अभी एट दैट मोमेंट आई वॉज लाइक हॉबीज़, आई डोंट हैव हॉबीज़, बिकॉज इस एज में हॉबीज़ कहाँ होती हैं, मतलब हॉबीज़ तो बचपन में होती है ना, डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, राइटिंग, है ना, एंड पेंटिंग, ये सब तो बचपन में होती है। इस एज में इवन जो मोस्ट फेवरेट चीज़ें होती हैं ना उनमें भी मन नहीं लगता है। आई वॉज़ वेरी मच कन्फ्यूज, पर हाँ मेरा थर्ड फोर्थ नंबर था तो मैंने थोड़ा बहुत बना के मेरे को सोचने का टाइम मिल गया, तो हाँ मैंने फिर आंसर दिया और हम में से करीब 4 लड़कियाँ सेलेक्ट हुई, आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम। हम 4 लड़कियाँ सेलेक्ट हुए और उसके बाद था हमारा सेकेंड राउंड, दैट वॉज द मेडिकल और BMI राउंड। तो वो ऑलमोस्ट आधे घंटे 45 मिनट्स के बाद वो हुआ राउंड। एंड मतलब ऐसा मुझे पता चला, इवन आई वॉज ऑल्सो देयर, पता क्या चला, ऐसा हुआ कि हमारा जो बैच था उसके बाद HR जो कि ऑनलाइन ले रही थी फर्स्ट राउंड, उनका मूड पता नहीं किस चीज़ पे ख़राब हो गया। उन्होंने जो नेक्स्ट के 2-3 बैचेस आए उसमें से किसी भी लड़की को चूज़ ही नहीं किया, किसी को नहीं सेलेक्ट किया फर्स्ट राउंड के लिए। एंड सब लोग कह रहे थे कि बस अब HR का मन भर चुका है इंटरव्यू से, उनको जितने सेलेक्ट करने थे उन्होंने कर लिया, वो नहीं करने वाली। मे बी उनका किसी वजह से मूड अपसेट हो गया हो या वो बोर हो गई हो या जो भी रीज़न रहा हो। तो हाँ ऐसा हुआ और काफ़ी सारी चीज़ें सुनने में आई कि यार ऑनलाइन में तो यही होता है, ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, बहुत ड्रॉबैक है, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड था, तो व्हेन वी वर वेटिंग फॉर द सेकेंड राउंड, तो हम लोग लाइन में थे और चल रहा था सेकेंड राउंड बाकी लड़कियों का, तो 2 लड़कियाँ आई। आई एम ऑल्सो, मैं ये वाली चीज़ भी बता रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हाँ मैंने ये चीज़ सुनी भी और देखी भी, अब अंदर की बात पता नहीं। तो 2 लड़कियाँ थी, दे वर नॉट सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट राउंड, फर्स्ट राउंड में उनको रिजेक्ट कर दिया था, बट उन्होंने ऐसे किसी को कॉल करके दिया, मे बी उनका कोई रेफरेंस होगा जो भी था, जो एक HR थी जो कि BMI ले रही थी, BMI सिर्फ BMI लेने के लिए, BMI या फिर मेडिकल राउंड के लिए एक HR थी जो कि सब, मतलब वही, बस एक वही थी जो इंडिगो की थी। एंड मैं उनको पहचानती हूँ क्योंकि इसके पहले मैं एक बार उनको इंटरव्यू में देख चुकी थी, इंटरव्यू में इंडिगो के, तो मुझे पता था कि हाँ ये मतलब इंडिगो की ही हैं, इसके अलावा इंडिगो का वहाँ कोई नहीं था। तो वो मेडिकल राउंड ले रही थी, तो वो उनको, उन दोनों लड़कियों ने किसी को फ़ोन लगाया और उन मैम को दिया कि मैम एक बार बात कर लीजिए, एंड देन फिर मैम ने बात करी, फिर उसके बाद उनको मेडिकल राउंड वाला फॉर्म दे दिया गया। मतलब जो लड़कियां फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो जाती हैं उनको एक फॉर्म दिया जाता है भरने के लिए, मेडिकल फॉर्म होता है जिसके बाद आपका BMI चेक होता है। तो वो लड़कियां फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो गई थी, बट उन्हें वो BMI वाला फॉर्म दे दिया गया। आई डोंट नो, आई कैन से एनीथिंग। एवरीवन वाज लाइक कि देखा ये होता है रेफरेंसेस, हाँ ऐसे तो फिर ये किसी को भी सेलेक्ट कर लेंगे, हम लोग तो इतनी मेहनत से सेलेक्ट होते हैं, यहाँ पे कुछ लोग सिर्फ एक फ़ोन करते हैं और वो सेलेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारी बातें हो रही थी।
तो आई डोंट नो वेदर इट वॉज रेफरेंसेज और वॉट एवर इट वॉज, बट हाँ कुछ तो हुआ था बिकॉज वो दोनों लड़कियाँ सेलेक्ट नहीं हुई थी फर्स्ट राउंड में, और फिर उन्होंने अचानक से सेकेंड राउंड मेडिकल राउंड के लिए वो अपियर हुई, तो वॉट एवर दैट वॉज. तो शायद हाँ, मुझे अभी किसी ने कमेंट करके भी पूछा कि वट आर रेफरेंसेज एंड हाउ कैन वी यूज इट. रेफरेंसेज होते क्या है? रेफरेंसेज मतलब कि देर इज़ अ पर्सन, देर इज़ समवन हु होल्ड्स अ पोजिशन इन द कंपनी. इंडिगो की कंपनी में कोई एक हो जो आपके जान पहचान का हो और वहाँ पे किसी पोजीशन में हो, वहाँ पे ऑलरेडी एम्प्लॉयड हो, कोई काम कर रहा हो. अगर वो बोले कि हाँ मैं इसको जानता हूँ एंड इसके पोटेंशियल है, इसमें कैलिबर है, आप इनको एक मौका दीजिए, मतलब देयर इज़ समवन जो पहले उस कंपनी के साथ काम कर चुका है और एक तरीके से वो आपकी गारंटी ले रहा है. मतलब एग्जैक्टली नॉट गारंटी, कोई पेपर वेपर साइन नहीं करना होता, बट आपके लिए पिच कर रहा है एचआर को, तो दैट इज़ रेफरेंस. ठीक है, तो ये होते हैं रेफरेंसेस. तो अगर आपके पास कोई, अगर आपका कोई है मेंबर जो एम्प्लॉय है या ऐसा कुछ भी है, तो ऑफकोर्स आप भी यूज़ कर सकते हो रेफरेंसेस को. यू आर लकी, हमारे पास तो कोई रेफरेंसेस नहीं है. सो फाइनली हमारा सेकेंड राउंड हुआ, सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ, उसमें BMI चेक हुआ. तो जैसे मैंने बताया था कि इसके पहले वाले इंटरव्यूज़ में इंडिगो कभी कभी स्टॉकिंग्स उतार के चेक करता है, कभी पहना के चेक करता है, इस बार में उतारने की कोई ज़रूरत नहीं थी. सो आई थिंक कि HR टू HR डिपेंड करता है. कुछ HR, हर HR अपने हिसाब से चीज़ें करता है ना, हर HR अपने हिसाब से सब कुछ, सारे रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं ओवरवेट अंडरवेट का. आई थिंक सो ऐसा होता होगा बिकॉज इस बार स्टॉकिंग्स नहीं उतारे, क्योंकि अगर इंडिगो का कोई ऑफिशियल रूल होता तो वो तो हर बार एक ही रूल बोलते हैं ना, बट कभी बोलते हैं स्टॉकिंग्स उतारने के लिए, कभी नहीं बोलते. इसका मतलब हर HR अपने अपने रूल्स आई गेस होते होंगे उनके. तो हाँ, इस बार स्टॉकिंग्स नहीं उतारी गई. और फिर उसके बाद इंटरव्यू, हाइट चेक हुई, मेरी हाइट 161 सेंटीमीटर आई. उसके बाद एक वेट आया, वेट में मेरा 4 kgs ओवर वेट था. मेरे को चाहिए 56.5 और मेरा आया था 59-60 ऑलमोस्ट था. तो हाँ, मेरा 3-4 kgs ओवर वेट था. और मुझे एक चीज़ और नहीं समझ आई इंडियो की, कि मतलब जब भी मैं इंटरव्यू के लिए गई, मतलब हाँ ठीक है ये एक प्राइवेट कंपनी है और ये अपने हिसाब से हर चीज़ करते हैं, बट एक बार मैं इंटरव्यू में गई तो इन्होंने बोला कि हम 5 kgs ओवर वेट अंडर वेट एक्सेप्ट करते हैं, कभी ये 3 kgs बोलते हैं. इस बार मेरा 3.some kgs ओवर वेट था, तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम 2 kgs ओवर वेट अंडर वेट एक्सेप्ट करते हैं. आई मीन ऐसा लगता है जैसे ये लोग, आई डोंट नो, कुछ भी हो जैसे, मतलब हाँ, बट ऐसा हुआ. तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इतना ओवरवेट हो, तो मैंने बोला कि मैम लास्ट टाइम मुझसे बोला गया था कि 5 kgs ओवर वेट अंडर वेट एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इतना वेट है मैं ऑलमोस्ट ट्रेनिंग पीरियड में या 3 महीना वो और फिर अभी तो 1 महीना, मैं इतने 4 महीने में ऑलमोस्ट वेट तो कम कर ही लूँगी, डेफिनेटली कर लूँगी. जैसे आप लोग भी जानते हैं कि मैंने लास्ट थ्री मंथ्स थे, जुलाई अगस्त, टू मंथ्स या फिर 6-7 weeks में मैंने 10 kgs वेट कम किया है. जून में मेरा वेट था 69-70 kgs, और राइट नाउ अभी आज है 29th August और मेरा वेट है, कितना है मेरा वेट है 59-60, अभी भी उतना ही है. तो हाँ, मेरा वेट 59-60 है, तो मैंने ऑलमोस्ट 10 kgs कम किए हैं. नो मेडिसिन, कुछ भी नहीं, सिर्फ वर्कआउट करके, कैलोरी काउंट करके, अपने खान पान पे ध्यान रख करके, ठीक है, योगा करके, वर्कआउट, रनिंग, वॉकिंग, ये सब चीज़ें कर करके मैंने अपना वेट कम किया. कोई मेडिसिन कुछ भी नहीं लिया. पीपल वोंट बिलीव, लोग बिलीव नहीं करते, लोग कहते हैं नहीं नहीं तुमने कुछ किया है, तुमने वेट कम करने के लिए कोई मेडिसिन ली है. गॉड सेक यार, मेहनत नाम की भी कोई चीज़ होती है? पसीना बहाया मैंने, कौन सी दवाई, मैं, मुझे अपने शरीर से बहुत प्यार है. एक बार को मेरी जॉब ना लगे मेरे को चलेगा, पर मैं अपने शरीर को तकलीफ नहीं दूंगी. तो हाँ, मैं 1-2 महीने वेट कर लूँगी कि हाँ चलो 2 महीने बाद मैं इंटरव्यू दे के आती हूँ, पर जल्दबाजी में मैं अपने शरीर को नहीं नुकसान पहुँचाऊँगी. खैर, जो नहीं मानता है वो ना माने, मैं हर किसी को क्लैरिफिकेशन देने के लिए तो नहीं हूँ, बट स्टिल. हाँ, तो हम बात कर रहे थे BMI की. तो आई वॉज 4 kgs ओवर वेट. उन्होंने फिर नया रूल बना दिया कि हम सिर्फ 2 kgs ओवर वेट एक्सेप्ट करते हैं. मैंने कहा ओके, ठीक है. डिसअपॉइंटमेंट होती है, हर बार होती है कि यार
फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, सेकंड राउंड सिर्फ एक चार तीन चार किलो के लिए रिजेक्शन आता है ना तो बहुत बुरा लगता है. बट व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस रिजेक्शन इज़ दैट कि अभी मैंने इंटरव्यूज़ दे दिए हैं और मुझे एक्सपीरियंस हो गया है और मुझे पता चल गया है कि मेरी कहाँ कमी है. ऑब्वियसली मुझे ये भी पता चल गया है कि इवन मेरे फर्स्ट राउंड में भी मैं कभी कभी थोड़ा सा संभल करने लगती हूँ तो मुझे डर लगने लगता है कि हाँ क्या हो रहा है ये. तो मैं इन सब चीज़ों पे भी वर्क करूँगी क्योंकि अब मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है इंटरव्यू का कि मेरे क्या वीकनेस है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है. तो नाउ आई हैव डिसाइडेड कि आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ वेरी वेल और कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ूंगी मैं जो कि वीकेस्ट पॉइंट हो मेरा, फिर चाहे वो वेट को लेकर के हो या मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर के हो. और अभी मैं इंटरव्यू के लिए सिर्फ तब जाऊंगी जब मेरा मुझे लगे कि मेरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा और कोई भी चांसेस नहीं है, मेरा वेट मेरी किसी भी चीज़ के लिए कोई मुझे बाहर नहीं निकाल सकता है, मैं तब जाऊँगी. ठीक है, और आप लोग को भी मैं यही बोलूँगी कि देखो ऐसा नहीं है जैसे आप लोग मुझसे बोलते हो कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं इंटरव्यू के लिए जाऊँ या ना जाऊँ. आप जाओ इंटरव्यू के लिए, आपको दो बार तो एक दो बार तो कम से कम जाना ही चाहिए इंटरव्यू के लिए. एटलीस्ट आपको अपनी कमियां तो पता चलती हैं, आपको ये तो पता चलता है कि आपको अपने अंदर क्या चीज़ों को इम्प्रूव करना है, क्या वीकनेस है आपकी, क्या स्ट्रेंथ है आपकी, आपको एक एक्सपीरियंस होता है. फिर आप वापस आओ, आपको जब पता चल गया है कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, फिर उसके बाद आप अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को एक महीने का टाइम दो, प्रिपेयर करो अपने आप को, उसके बाद फिर से एक महीने बाद जाओ और उसके बाद देन गो एंड क्रैक द इंटरव्यू, यू विल बी सेलेक्टेड. ये वाला जज्बा रखना है. अब आप बार बार इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है और आप अपने को इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, बस आप इंटरव्यू देने चले जा रहे हो. आप चार बार रिजेक्ट होगे, पांच बार रिजेक्ट होगे ना, फिर एक टाइम आएगा जब आप डीमोटिवेट हो जाओगे और आपका मन ही नहीं करेगा इंटरव्यू जाने का, आपका मन ही नहीं करेगा इंटरव्यू देने का. इसलिए मैं कह रही हूँ दो बार दो, तीन बार दो, बस दैट इज इनफ. तीन बार रिजेक्ट होने के बाद आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके अंदर क्या कमी है और आपको क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है. फिर आप उस चीज़ को इम्प्रूव करो, एक महीने का टाइम लो, फिर आप एक महीने जाओ पूरे अच्छे से प्रिपेयर होके. ठीक है, दिस इज़ वॉट आई हैव लर्न फ्रॉम रिजेक्शंस एंड वॉट आई थिंक दैट दिस इज़ द बेस्ट वे टू टैकल एनी रिजेक्शन, टू टैकल एनी वीकनेस. ठीक है, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है इस पर, दिस इज़ वॉट आई थिंक. सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई इंटरव्यू, कैबिन क्रू इंटरव्यू इंडिगो का जो कि लखनऊ में हुआ था. एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू इंक्लूड इज़ दैट मैं इंटरव्यूज़ में जाती हूँ, आई लर्न सो मैनी थिंग्स, प्लस मेरे को इतने सारे फ्रेंड्स मिल जाते हैं. मैं एक बार इंटरव्यू के लिए गई थी तो मुझे दिल्ली में वंदना, आई जस्ट मेट अ गर्ल एंड शी इज़ जस्ट ऑसम, शी इज़ अमेजिंग. मैंने उसके साथ रील भी डाली है इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे नहीं, यूट्यूब पे ही डाली है. तो या बहुत फ्रेंड्स बनते, और इस बार मेरी एक फ्रेंड बनी श्रद्धा, एंड वैसे तो वो मुझसे सीनियर है बट काफ़ी अच्छी, और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों मुझे गाइड करी, काफ़ी सारी चीज़ें बताई इंडिगो के बारे में, विस्तारा के बारे में, बहुत सारी चीज़ें. तो या ये एक यूट्यूब चैनल ने मेरे को काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए खोल दी. मैं कहीं भी जाती हूँ एवरीवन इज़ लाइक ओ यू आर लावण्या एंड आई हैव वॉच योर चैनल, हाय ये वो, तो फिर एक कम्युनिकेशन, एक बात होने लगती है, कॉन्वर्सेशन होने लगता है और फिर एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है. तो हाँ, ये यूट्यूब चैनल ने मुझे बहुत कुछ दिया है, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें, और इंटरव्यूज़ का मज़ा ही कुछ और है, एक्सपीरियंस ही कुछ और है कि मतलब आप जा रहे हो, आप अपने रिजेक्शन भी मिल रहे हैं लेकिन फिर भी आपको पता चल, रिजेक्शन मिल रहा है बट स्टिल यू आर लर्निंग कि हाँ मेरे अंदर क्या कमी है. इवन रिजेक्शन टीच यू सो मच, रिजेक्शन से कितना कुछ सीखने को मिलता है. तो ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट रिजेक्टेड. वैसे तो मैं यही चाहूँगी कि सबका फर्स्ट टाइम पहले इंटरव्यू में ही सिलेक्शन हो जाए, बट स्टिल इफ़ यू गेट रिजेक्टेड रिमेंबर वन थिंग दैट रिजेक्शन टीच सो मच. इट्स अप टू अस, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने रिजेक्शन को किस तरीके से लेते हैं, हम उससे डीमोटिवेट हो जाते हैं या फिर मोटिवेट हो जाते हैं. फिलहाल आप मेरे चैनल को देखते रहिए हमेशा, और कैबिन क्रू सीरीज़ आप लोग विजिट करते रहते हैं, उस पर मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो सब मैं उस पर अपलोड करती रहती हूँ. प्लेलिस्ट है कैबिन क्रू सीरीज़ के नाम से यूट्यूब चैनल पे, आप उसको भी विजिट कर सकते हो. दूसरी चीज़ ये कि नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. प्लस आपको पता है क्या करना है, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, ब्ला 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 ब्ला,
आपको पता है कि आपको कमेंट सेक्शन में जाकर ये उसको टाइप करना है और मेरे तरफ से जवाब आपको आ जाएगा। अगर आप मुझसे वन ऑन वन बात करना चाहते हैं या एक पर्सनल लेवल पे चैट करना चाहते हैं तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप मुझसे उस पर ज्वाइन हो जाइए, फिर आप हम लोग वहाँ पर भी बात कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को देखते रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत देर हो गई, बहुत दिन हो गए, अब सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर लविंग सो मच एंड गिविंग सच अ वार्म रिस्पॉन्स एंड आई वुड ऑलवेज प्रे कि आप लोग हमेशा ऐसे ही मेरे चैनल पे आओ और आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करके जाओ। एंड इफ़ यू लव माय चैनल एंड इफ़ माय चैनल माय वीडियोस हेल्प यू एनीवेयर एनी टाइम, आपका कि कोई भी डाउट क्लियर किया हो मेरे चैनल ने, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, बिकॉज इट इज़ वेरी मच मोर motivating for me and thank you everyone, happy Raksha Bandhan to all of you, love you and take care.